सैनी फाउंडेशन है और आप हैं सनी हुसैन के फादर मदर एंड ब्रदर। तो ये जा रहे हैं साहिल से मिलने के लिए फिलीपींस, इनका वीज़ा NBF में लगा है। तो आप हमें कुछ भी बताना चाहेंगे, मीन्स आपके भाई की पढ़ाई कैसे चल रही है फिलीपींस में? साहिल उनका तो रेगुलर क्लासेस होते हैं यहाँ, तो वो रेगुलरली अटेंड भी करता है एंड अगर अटेंडेंस अगर फुल भी करते हैं तो अच्छे उनको फैसिलिटीज़ भी दी जाते हैं। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में उन्होंने आपको बताया होगा वहाँ? हाँ, काफ़ी अच्छा ही है। फिलीपींस की एजुकेशन क्वालिटी के बारे में मीन्स क्या बताया उन्होंने आपको? कंपेयर टू इंडिया वो मतलब ऑन पार ही है, एक्स्ट्रा क्लासेस जैसे अलग से किए जाते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज जो एक्स्ट्रा है वो भी हासिल। और जो उनको पढ़ाया जाता है वो कौन से लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है? मोस्टली इंग्लिश ही होता है। और कुछ मतलब उनका एनवायरनमेंट कैसा है? स्टडी एनवायरनमेंट है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट है? फ्रेंडली है, बुलिंग वगैरह नहीं होता है, बाहर की कंट्री से आने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? ना गर्म ना ठंडा। तो मीन्स वहाँ पढ़ाई के लिए सुटेबल? हाँ जी। आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं हमें या हमारे व्यूअर को? अगर कोई जाना चाहता है तो वहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा कि इंडियन वहाँ जाके कैसा रहेगा और पढ़ाई की वजह से भी वो भी ठीक ही है। और NBF के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? हेल्पफुल था, जैसे हेल्प आउट किया है कि पहली बार। सर आप बताइए, आप तो फादर हैं साहिल के, तो आपको कैसा लगा हमारा? बहुत अच्छा लगा है और वहाँ का सब कुछ अच्छा है। तो आपकी बात होती है रेगुलर साहिल से, वो एजुकेशन के बारे में भी आपको बताते हैं अपना, और कोई आप हमें फीडबैक देना चाहती हैं आप बताइए मैम। तो आज हम लोग देखें कि स्टूडेंट जो गए हुए हैं फिलीपींस पढ़ाई करने के लिए, उनके मदर फादर और ब्रदर से हमने बात किया। अगर आपको हमारा वीडियो बेनिफिशियल लगा हो या फिर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर द इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।